नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप भी एक यूट्यूबर हो, आपने हाल ही में अपना नया यूट्यूब चैनल बनाया है और आपके चैनल के ऊपर जीरो सब्सक्राइबर, जीरो व्यूज और जीरो ही वॉच टाइम आवर है, तो आप अपने चैनल के ऊपर मात्र 5 दिन के अंदर किस प्रकार से 500 सब्सक्राइबर गेन कर सकते हो, किस प्रकार से आप अपने चैनल के ऊपर, नए यूट्यूब चैनल के ऊपर 5 दिन के अंदर 500 सब्सक्राइबर प्राप्त कर सकते हो, वो सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक छोटी सी जानकारी जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आपका नया YouTube चैनल है और आप अपने चैनल के अंदर काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन उस मेहनत के अनुसार आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज की प्राप्ति नहीं हो पा रही और आप अपने चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट कराना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया जा रहा है। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप अपनी चैनल की इंफॉर्मेशन हमारे तक भेज सकते हो ताकि हम हमारे अगले वीडियो के अंदर आपके चैनल को प्रमोट कर सके, जिससे आपके वीडियोस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती रहे और आपका चैनल भी दिन प्रतिदिन ग्रो ही ग्रो होता चला जाए। तो हम बात कर रहे थे नए यूट्यूबर के सामने सबसे बड़ी समस्या यही उत्पन्न होती है कि वो अपने चैनल के ऊपर किस प्रकार के वीडियोज अपलोड करें कि उनके वीडियोज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा व्यूज तो प्राप्त होते रहे, साथ ही साथ वॉच टाइम आवर और सब्सक्राइबर भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते चले जाएं। लेकिन भैया, नए यूट्यूबर के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो व्यूज किस प्रकार से प्राप्त करें, सब्सक्राइबर किस प्रकार से इंक्रीज करें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक नए यूट्यूबर हो, आपने हाल ही में नया यूट्यूब चैनल बनाया या फिर काफी समय हो गया आपको यूट्यूब चैनल बनाए हुए, लेकिन फिर भी आपके चैनल के ऊपर जीरो सब्सक्राइबर, जीरो व्यूज और जीरो ही वॉच टाइम आवर है, तो मात्र 5 दिन के अंदर आप अपने चैनल के ऊपर 500 से अधिक या फिर 500 सब्सक्राइबर किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। तो इसके लिए आपको किसी प्रकार की कोई भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज्यादा बदलाव अपने वीडियोस के अंदर करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको कुछ सिस्टमैटिक तरीके से आपको काम करना होगा और वो काम करने के बाद में आप मात्र 5 दिन के अंदर अपने चैनल के ऊपर नॉर्मली 500 सब्सक्राइबर बहुत ही आसानी से गेन कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना होगा, अपने टॉपिक के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक नए यूट्यूबर हो और बहुत ही कम समय में अपने चैनल की ग्रोथ आप बहुत तेजी से चाहते हो, तो आपको अपना टॉपिक बेस्ट रखना होगा। कोशिश आपको यही करनी होगी कि जो भी वीडियोस आप बनाएं, वो कोशिश करिए कि ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप बनाते चले जाइए। अगर आप ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाओगे तो आपका वीडियोस बहुत ही कम समय में 100 से 200 गुना वायरल होता चला जाएगा और ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति भी करता चला जाएगा। या फिर आपको इस प्रकार के वीडियोस बनाने चाहिए जिस टॉपिक के ऊपर आपको सबसे ज्यादा जानकारी है, आप उस जानकारी के अकॉर्डिंग अगर आप वीडियोस बनाओगे या फिर उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के बाद में अगर आप वीडियोस बनाओगे, तो आप अपने प्रत्येक वीडियोस के अंदर बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हो और अपनी ऑडियंस को ज्यादा से ज्यादा आप खींचकर ला सकते हो और मजबूर कर सकते हो कि वो आपके वीडियोस को ओपन करे, और जिन ऑडियंस को आपकी इंफॉर्मेशन अच्छी लगती चली जाएगी वो आपके वीडियोस को लाइक भी करते चले जाएंगे और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले जाएंगे। तो टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है और कोशिश यही करनी है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बनाते चले जाइए। और दूसरा आपको ख्याल रखना है, क्वालिटी को आपको बेस्ट बनाना है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो भी वीडियोस आप बना रहे हो, जिस भी कैटेगरी के ऊपर बना रहे हो, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस बना रहे हो, कोशिश यही कीजिए कि आप अपने प्रत्येक वीडियोस की क्वालिटी मेंटेन करते चले जाइए, ऑडियो क्वालिटी को बेस्ट बनाइए, वीडियो क्वालिटी को भी बेस्ट बनाते चले जाइए। अगर आपकी वीडियो क्वालिटी बेस्ट है और ऑडियो में डिस्टरबेंस है, जो भी आप अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहे हो वो बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रहा, बिल्कुल भी डल है, डिस्टरबेंस है, बिल्कुल लोग तेज आवाज करने के बाद में भी आपकी आवाज सही प्रकार से नहीं सुन पा रहे, तो भी आपका वीडियो नहीं चलने वाला। इसी प्रकार से आपकी ऑडियो क्वालिटी बेस्ट है, लेकिन जो भी आप अपनी ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूअर्स को वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहे हो, वो बिल्कुल धुंधला है, बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो भी आपका वीडियो नहीं चलने वाला। तो कोशिश आपको यही करनी है
कि जो भी वीडियोस आप बनाओ उसके अंदर आप अपने वीडियो क्वालिटी को भी बेस्ट बनाइए और ऑडियो क्वालिटी को भी बेस्ट बनाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज भी आते चले जाएं और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर भी आपके चैनल के ऊपर इंक्रीज होते चले जाएं। साथ ही साथ आपको एक छोटा सा ख्याल और रखना है अपने वीडियोस के अंदर, अपनी क्वालिटी के अंदर, कि आप अपने वीडियोस के अंदर सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए। अगर आप जितनी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज अपने वीडियोस के अंदर इस्तेमाल करोगे, उतने ज्यादा ही लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे, उतने ज्यादा ही लोगों को वो समझ में आती चली जाएगी और उतने ज्यादा ही आपके चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो सिंपल से सिंपल लैंग्वेज आपको अपने प्रत्येक वीडियोस के अंदर इस्तेमाल करनी है, ताकि आपका चैनल कम समय में बहुत तेजी से ग्रो होता चला जाए। और अगले तीसरे बदलाव की अगर हम बात करें, तीसरे टॉपिक की अगर हम बात करें, तो टाइटल और टैग। जी हाँ दोस्तों, यानी कि टाइटल और टैग के ऊपर आपको थोड़ा सी ज्यादा मेहनत करनी होगी। थोड़ा सा यूनिक टाइटल आपको अपने वीडियोस का रखना होगा, थोड़ा सा सर्चेबल टाइटल आपको अपने वीडियोस का रखना होगा। इससे क्या होगा, अगर आप कोई भी कीवर्ड ऐसा इस्तेमाल करोगे जो बार बार सर्च किया जाता हो, जिससे आपका वीडियोस बिल्कुल रैंक करता चला जाएगा, टॉप सर्च में आता चला जाएगा, जो भी ऑडियंस कोई भी कीवर्ड सर्च करेगी तो आपका वीडियोस भी उसके अंदर सर्च लिस्ट में आएगा और आपके वीडियोस के ऊपर भी व्यूज की प्राप्ति होती चली जाएगी। तो आपको कोशिश यही करनी है कि अपने वीडियोस का टाइटल इस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है जो कि हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर सर्च किया जाता हो, फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे सर्च किया जाता हो, इंस्टाग्राम पे सर्च किया जाता हो, गूगल पे सर्च किया जाता हो, या फिर अदर कोई भी सोशल साइट्स है उसके ऊपर बार बार सर्च किया जाता हो। तो ऐसे कीवर्ड को आपके अपने टाइटल के अंदर इस्तेमाल करना है, जिससे आपके वीडियोस को रैंकिंग मिलती चली जाएगी और आपका वीडियोस भी टॉप रैंक में आता चला जाएगा। इसी प्रकार से आपको अपने वीडियोस के अंदर कुछ सर्चेबल हैशटैग लगाने हैं, जिससे आपको वीडियोस को रैंकिंग में मदद मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति आपका वीडियोस करता चला जाएगा। और अगले पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो सबसे मेन चीज है, यानी कि नए क्रिएटर के लिए बहुत ही ये मान लीजिए लाभदायक साबित होने वाली है, नए जो भी यूट्यूबर होते हैं उनके स्टार्टिंग में तो जोश होता है कि भैया रोजाना हम वीडियोस अपलोड करेंगे, लेकिन वो अपना सीक्वेंस बिल्कुल धीरे धीरे कर तोड़ते चले जाते हैं और रोज की जगह वो सप्ताह में वीक में अपलोड करने लग जाते हैं, फिर उस सीक्वेंस को दोबारा से तोड़ देते हैं, फिर वो महीनों में एक वीडियोस अपलोड करने लग जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे आलस में भर जाते हैं और वो सीक्वेंस को और भी ज्यादा तोड़ देते हैं, फिर दो या तीन महीने में अपने वीडियोस अपलोड करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप सीक्वेंस को तोड़ोगे तो आपके वीडियोस के ऊपर व्यूज बहुत ही ना के बराबर आपको देखने को मिलेंगे। तो नए यूट्यूबर के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि वो अपने चैनल को मोनिटाइज कराए। मोनिटाइज जब उसका चैनल हो जाता है तो उसकी यूट्यूब से इनकम स्टार्ट हो जाती है। तो उस मोनिटाइजेशन को अनेबल कराने के लिए आपको अपने चैनल के ऊपर रेगुलरिटी अपनानी होगी, रेगुलर आपको वीडियोस अपलोड करने होंगे, रोजाना के कम से कम एक या दो वीडियोस आपको अपने चैनल के ऊपर अपलोड ही करना है। जिससे क्या फायदा होगा, आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट रह पाएगी और ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति आपका प्रत्येक वीडियोस करता चला जाएगा। तो सीक्वेंस आपको बिल्कुल अपनानी है, रेगुलर आपको अपने चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड करनी है जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाए, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हमारे चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए होती है और उसके बाद में आप अपने सीक्वेंस को आप अपनी इच्छा अनुसार, आप अपनी सुविधा अनुसार, आप अपने वर्क के अनुसार आप बिल्कुल उसको अपना सकते हो। चाहे वीक में एक करिए, चाहे वीक में तीन करिए, चाहे महीने में एक वीडियो अपलोड करिए, लेकिन जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाए, जब तक आपको रेगुलर वीडियोस अपलोड करना है। अगले पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो एंड स्क्रीन का यूज नए क्रिएटर के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा व्यूज और ज्यादा से ज्यादा वॉच टाइम आवर और सब्सक्राइबर अपने चैनल के ऊपर कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको अपने प्रत्येक वीडियोस के अंदर एंड स्क्रीन का जरूर इस्तेमाल करना है। एंड स्क्रीन का क्या मतलब होता है, एंड स्क्रीन का मतलब होता है कि जो भी ऑडियंस, जो भी व्यूअर्स, जो भी सब्सक्राइबर हमारी वीडियोस को कंप्लीट वॉच कर रहे हैं, तो हमारा वीडियोस खत्म होने से 21 सेकंड पहले हम हमारे कोई भी पुराने वीडियोस का थंबनेल हमारे एंड स्क्रीन के रूप में लगा सकते हैं, ताकि वो ऑडियंस, वो सब्सक्राइबर, वो व्यूअर्स उस थंबनेल के ऊपर क्लिक कर हमारे उस पुराने वीडियोस के ऊपर भी जा सके और उसके ऊपर भी हमें ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होती चली जाए, वॉच टाइम आवर इंक्रीज होता चला जाए और उसको अगर हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगेगी, अगर हमारी इंफॉर्मेशन से वो प्रभावित होता है तो हमारे वीडियोस को लाइक तो करेगा ही करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना वो बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। तो एंड स्क्रीन भी ज्यादा से ज्यादा व्यूज की प्राप्ति करने में, वॉच टाइम आवर इंक्रीज करने में और सब्सक्राइबर की तादाद हमारी बढ़ाने में सबसे ज्यादा
अहम भूमिका निभाती है, तो नए यूट्यूबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अपने प्रत्येक वीडियो के अंदर एंड स्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करिए। और अगले पॉइंट्स की अगर हम बात करें, छठे पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो हमारे वीडियोस का थंबनेल। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हमारे वीडियोस का थंबनेल ही डिसाइड करता है कि हमारे वीडियोस के ऊपर कितने ज्यादा व्यूज की प्राप्ति होने वाली है। थंबनेल से हमें पता लग जाता है कि हमारा वीडियोस वायरल होगा या नहीं होगा, क्योंकि थंबनेल से ही हमारे ऑडियंस हमारे वीडियोस के ऊपर खींच के आती है। यानी कि थंबनेल को आपको थोड़ा सा बेस्ट बनाना है और थोड़ा ज्यादा समय आपको उसके अंदर देना है। जितना समय आप अपने वीडियोस के अंदर देते हो बनाने में, एडिट करने में, शूट करने में, उसकी ये मान लीजिए टाइटल सोचने में, कम से कम उसका आधा समय आपको अपने वीडियोस का थंबनेल बनाने में देना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव आपका थंबनेल बन सके, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को वो खींच कर ला सके और मजबूर कर दे व्यूअर्स को आपके वीडियोस को ओपन करने पे। जी हाँ दोस्तों, ये छोटे छोटे छह बदलाव अगर आप अपने वीडियोस के अंदर रेगुलर करते हो, रोजाना अपनाते हो, तो मात्र 5 दिन के अंदर आप अपने नए यूट्यूब चैनल के ऊपर 500 सब्सक्राइबर इजीली आप प्राप्त कर सकते हो और अपने चैनल की ग्रोथ भी बहुत तेजी से आप इंक्रीज कर सकते हो और अपने चैनल को मोनेटाइज कराकर आप भी अपने YouTube से इनकम स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यही कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।